हाई गाइज, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ शुभम, करेंटली स्टडिंग इन MD सेकेंड ईयर इन यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प इन फिलिपींस। सो बेसिकली टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी ऑन द थिंग्स दैट यू शुड बी कैरिंग व्हेन यू आर कमिंग टू फिलिपींस। लाइक जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं फिलिपींस पढ़ने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मस्ट लाइक यू शुड कैरी ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो जब आप फिलिपींस में आए। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज ऑब्वियसली दैट इज डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली इंक्लूड होता है लाइक पासपोर्ट, और जब आप इंडिया से आते हो एक रेड रिबन का फाइल होता है, वो भी लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन। और फिर उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली, 10th 12th और मेडिकल टेस्ट जो आप अब इंडिया में करते हो वो सब कुछ होता है उसमें। और सबसे मेन चीज़ जो डॉक्यूमेंट होने वाला है आपका फिलीपींस में, वो होने वाला है आपका पासपोर्ट। तो आफ्टर डॉक्यूमेंट्स द सेकेंड चीज़ है दैट हैज़ टू बी लाइक मनी। तो मनी अगर हम देखें तो उसके दो मेथड्स हैं, ओके। लाइक वन इज़ यू कैन ब्रिंग योर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स और फोरेक्स कार्ड्स, उसमें आप पैसे लोड करके ला सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आके विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप मतलब USDs ला सकते हो। इंडिया में INR को कोई भी बैंक में या फिर कोई एजेंट के थ्रू USD में कन्वर्ट करके वो ला सकते हो। अगर आप USD लाते हो, जनरली एजेंट्स बोलते हैं USDs लाने, तो USD अगर आप लाते हो तो आप जैसे 100 USD, ठीक है, आप 1000 USD लाए हो तो आराम से आप एयरपोर्ट पे पहुंचते ही 100 USD चेंज कर सकते हो फिलिपिनो पैसों में, मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही, ठीक है। फिर आराम से आप आ सकते हो लाइक कैब वैब लेके। फिर उसके बाद जब आपको USD मतलब चेंज करना हो फिलिपिनो पैसों में, जब भी आपको ज़रूरत हो, या फिर इमरजेंसी केस के लिए आप रख सकते हो। अगर आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड काम नहीं करता है तो अगर आपके पास USD हो, आप पास में लाइक मॉल में SM सेंटर में जाके आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। 100 USD कन्वर्ट कर लोगे तो 5000 pesos हो जाएंगे। तो ऐसे इमरजेंसी के लिए आप USD लेके आएं। फिर जो थर्ड चीज़ है दैट हैज़ टू बी मेडिकेशंस। लाइक बेसिकली वहाँ पे क्या है फिलीपींस में, आपको प्रेस्क्रिप्शन चाहिए अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है। मतलब मैं जब गया था मेरे को भी ऐसे बोला गया था, तो ऐसा बोला गया था कि आपको कोई भी मेडिसिन नहीं मिलेंगे, ठीक है। पर ऐसे मेरे को एक बार बुखार हुआ था वहाँ पे, तो मेरे पास कोई मेडिकेशंस तो थे नहीं, तो फिर मैंने क्या किया, डायरेक्ट वहाँ पे फार्मेसी पे गया, मर्क्यूरी ड्रग करके होता है वहाँ पे सारे फार्मेसीज, और मैंने वहाँ पे बोला कि ऐसे पैरासीटामोल चाहिए, तो बिना प्रेस्क्रिप्शन मेरे को उन्होंने दे दिया। तो मैं बेसिकली ट्राई करने गया था कि क्या पता मिल जाए, तो मुझे लगा कि जो बेसिक मेडिसिन से वो मिल जाता है बिना प्रेस्क्रिप्शन के। बट फिर भी अगर किसी को मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, किसी को अस्थमा है या कुछ भी लाइक है जो कि मेडिसिन आप ले रहे हो, तो आप ये मतलब सोच के जाओ कि हाँ मैं लाइक 6 महीना या फिर 1 साल का मेडिसिन पूरा लेके जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको प्रेस्क्रिप्शन चाहिए और वहाँ पे मेडिसिन का कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो ये आप देख लेना, किसी को भी कुछ भी मेडिकेशन का कॉम्प्लिकेशन हो, पहले से आप मेडिसिन सब लेके जाओ, रिस्क मत लो वहाँ पे लेने का। वैसे अगर आप चाहो तो इंडिया से भेज सकते हो पार्सल, बट फिर भी लाइक आप लेके जाओ, मतलब ऐसे कुछ बैकअप मत रखो, लेके जाओ। फिर जो फोर्थ चीज़ है वो है लैपटॉप या आईपैड। तो बेसिकली आप वहाँ पे जाते ही AB साइकोलॉजी पढ़ोगे, तो AB साइकोलॉजी में मेन चीज़ ये है आपको PPTs बनानी है, बहुत सारी PPTs बनानी है। फिर वहाँ पे बुक्स नहीं है, AB साइकोलॉजी में आपको कुछ भी बुक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ITP हो गया, UTS हो गया, कुछ भी आपको बुक्स नहीं मिलेंगे, सब आपको लाइक फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजेंगे या फिर PPTs भी भेजेंगे आपको, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपको पढ़ना है, फ़ोन से पढ़ना थोड़ा दिक्कत होता है, तो आईपैड या लैपटॉप हो तो आराम से पढ़ सकते हो। PPTs भी बनाना है, हर महीने एक PPT तो आपको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, लाइक मेनली ITS और UTS में। अब नॉर्मल साइकोलॉजी में भी कर सकते हो, बट फिर भी ऐसा है कि PPT बना के प्रेजेंट करना है, तो लैपटॉप और आईपैड लेके जाना फिर, क्योंकि MD में भी आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट नाउ देन टू इन्वेस्ट लेटर, क्योंकि अभी भी आपका काम आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। द फिफ्थ थिंग इज लाइक करना चाहिए आपको जो MD के फर्स्ट ईयर के बुक्स हैं, ओके, द टोटल वेट ऑफ ऑल दैट बुक्स इज अराउंड 16 to 17 kgs, ठीक है। और आप जब यहाँ से जाओगे, आपका बेसिकली एयर एशिया से जाओगे तो 20 kg होगा, या फिर थाई से जाते हो तो 30 kgs होगा लगेज का। तो अगर आप 20 kg लाइक जब AB साइकोलॉजी करके आओगे एक बारी में, जब बुक्स लोगे आप, ठीक है, MD फर्स्ट ईयर के लिए अगर आप 20 kg बुक्स के लिए ही दे दोगे, तो फिर कपड़े वपड़े, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, अभी आपको पता नहीं चल रहा है, जब आप पैक करोगे तब बहुत दिक्कत आएगा। तो इसलिए जब आप जा रहे हो फिलीपींस, ठीक है, और AB साइकोलॉजी में वैसे भी आपको मज़े ही मारने, उतना कुछ है नहीं पढ़ने को, ठीक है, मतलब आराम से निकलता जाएगा, पूरा 1 साल है, और जब MD फर्स्ट ईयर में जाओगे तो ज़्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप कम से कम NET के
मोरेज क्लिनिकली वो वाला एनाटॉमी, ठीक है, मोरेज एनाटॉमी, तो उसका जो तीन पार्ट्स आता है वो आप लेके जाओ, उसके साथ फिजियोलॉजी का भी एक, गाइटन और हॉल या बर्ने और लेवी वो भी लेके जाओ, ताकि वहाँ पे जाके आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, मतलब बेसिकली आराम से पढ़ सकते हो, एक साल है पूरा, थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ो और कुछ बुक्स ले जाओ, ताकि जब वापस जाओगे तो उतना होगा नहीं, फिर उसके बाद क्या न्यूरो एनाटॉमी होगा और एक दो एटलस होगा, फिर अगर आप चाहो तो रिव्यू बुक ले सकते हो, हिस्टोलॉजी होगा, बायोकेम होगा, जो कि मैक्सिमम 8-9 kg होगा, ठीक है, तो आराम से आपका मैनेज हो जाएगा, तो ये देख लेना अगर आपको सही लगे, बट मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट MD फर्स्ट ईयर में जाके बहुत प्रेशर आ जाता है पढ़ने एंड ऑल का, ठीक है, एनेट का भी आ जाता है, तो ले जाना यार आराम से, एक साल में आप कुछ तो पढ़ लोगे, एक दो चैप्टर ख़त्म कर ही पाओगे। फिर उसके बाद आता है 6 चीज़ कह लो, ये मतलब बेसिकली 26 जैन और 15 अगस्त को फिलीपींस में परपेचुअल में इंडियंस जो है JFSM के जो सीनियर्स हैं वो लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, पूरा स्पोर्ट्स एंड ऑल होता है, फिर उसके बाद ऑडिटोरियम में इवेंट होता है, जैसे फंक्शन कह लो होता है ना स्कूल्स में वैसा, तो इसलिए उसमें ना मतलब हर कोई बच्चा, से लड़की हो गए तो वो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस हो गया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा है लाइक ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड ऑल वो पहनते हैं या फिर साड़ी पहनते हैं, तो बॉयज़ के लिए सलवार कमीज़ ऐसा जो है ना वो पहनते हैं, ठीक है, आप मतलब आराम से सूट वूट वेस्टर्न भी पहन के आ सकते हो, बट जनरली सलवार एंड ऑल वो पहनते हैं, ठीक है, तो सलवार ही कहते हैं शायद, पता नहीं मेरे को, जो भी है वो पहनते हैं, तो इसलिए आप वो ले जाना ताकि बेटर हो आपके लिए, नहीं तो फिर मैं नहीं लेके गया था, मेरे को आइडिया ही नहीं था, तो इसलिए मेरे को फिर से पोस्ट इंडियन पोस्टल से पार्सल मंगवाना पड़ा था, जो कि 12-13 दिन लगा, फिर पसाई सिटी से जाके लाना पड़ा, दिक्कत है, तो एक लेके ही चले जाना ताकि काम आए, फोटोज़ वोटोज़ खींचोगे आप लोग दोस्तों के साथ तो काम आता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद एक दो फॉर्मल्स ले जाना, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि मीटिंग्स एंड ऑल होगा तो उस टाइम पे आपको फॉर्मल्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीटिंग्स होगा तो बोलते हैं फॉर्मल्स के लिए, आप वहाँ पे भी खरीद सकते हो, पर ले जाना ना एक पेयर, क्या जाता है क्योंकि नए आपको जानने में दिक्कत होगा, ले जाना फॉर्मल्स सही रहेगा, वैसे वहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, और एक चीज़, अम्ब्रेला ज़रूर लेके जाना, मैंने जितना देखा है वहाँ के अम्ब्रेलाज बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है, और हमें बारिश कभी भी आ सकती है, तो बेटर अगर आपके पास जगह है लगेज में एक ले जाना, ठीक है। और उसके बाद हाँ, खाना पीने की चीज़ें कम लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे भी सब कुछ मिल जाता है, हल्दीराम का कुरकुरे ले सब मिल जाता है, भुजिया एंड ऑल, बट चीज़ ये है कि पहले नहीं मिलता था, 1-2 साल पहले वो आपको दूर जाना पड़ता था, पर अभी 2 से 3 इंडियन ग्रॉसरी शॉप्स पास में ही खुल गया है, लाइक परपेचुअल के बहुत पास, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ मिलता है यार, समोसा वमोसा सब कुछ, लाइक इंडियन फूड सब कुछ मिलता है, दिक्कत ये है कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, वो तो होना ही है, मतलब प्राइस तो होगा ही ज़्यादा क्योंकि दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, पर फिर भी खा सकते हो यार, अगर मन करे तो खा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20 रुपये की चीज़ जो यहाँ पे है वहाँ पे आपको 50 रुपये का मिलेगा, ये डिफरेंस है, बट ये नहीं कि हमेशा खा रहे हो, खा सकते हो लाइक, हाँ मन किया एक हफ्ते में एक बार खा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हाँ यार, मैं यहाँ से जब गया था तो ऐसे एजेंट ने बोला था कि विंटर क्लॉथ मत लेके जाना, विंटर है ही नहीं वहाँ पे, पर मम्मी ने बोला ऐसे कैसे विंटर नहीं होगा, विंटर तो होगा ही, मतलब ऐसा कैसा देश है, तो मैंने भी सोचा यार विंटर तो होगा ही यार, वो ऊपर से बीच एंड ऑल है, विंटर तो आएगा ही, ठंडी तो लगेगी, मैं लेके गया था विंटर के क्लॉथ्स, ठीक है, और रजाई वजाई भी लेके गया था, फिर वहाँ पे पता चला ऐसा कुछ सीन ही नहीं है वहाँ पे, मतलब ठंडी है ही नहीं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत लगता है रात को, मतलब वो अच्छा लगता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो विंटर क्लॉथ्स ज़्यादा मोटे मोटे अवॉइड करना, नॉर्मल स्वेट शर्ट्स एंड ऑल आप ले सकते हो, अगर आपका कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है, फिर ऐसा है फोटोजेनिक हो तो ले सकते हो फोटोज़ के लिए, बट उतने मोटे मोटे मत लेना, इट वोंट वर्थ, मैंने लिटरली इट वोंट वर्थ, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, तो यही है। और उसके बाद और क्या रह गया, यही सब चीज़ें थी, और उसके बाद पासपोर्ट वो संभाल के रखना, अगर वो कहीं खो जाता है तो गंदा फंस जाओगे, वो बहुत ज़रूरी है, हर जगह वहाँ पे पासपोर्ट चाहिए होगा, वीज़ा के लिए हो गया, ACR बनवाने के लिए होगा, हर जगह आपको पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और हाँ, चाहो तो पेंस ले सकते हो, वहाँ पे पेंस थोड़ा एक्सपेंसिव है, हाँ 3-4 पेंस डाल देना, और हाँ कॉपी ले जाना, वहाँ पे कॉपीज़ जनरली मिलती नहीं, और जो मिलती है वो मतलब मज़ा नहीं आता लिखने में, बहुत पतला पतला होता है, और तो क्लासमेट का 1-2 कॉपी ले जाना, आपके काम आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अच्छा से मिलता नहीं है, तो यही सब चीज़ें हैं बस, तो इतना ही है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अंडर अंडर स्कोर शुभ अंडर स्कोर
BUU, तो आप वहाँ पे मेरे को DM कर सकते हो एंड आई ऑब्वियसली रिप्लाई टू दैट। अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि रिप्लाई थोड़ी देर के लिए ना करूँ, बट इवेंचुअली आई विल रिप्लाई। क्योंकि हाँ, मतलब 2021 स्टार्टिंग से मैंने सोचा था कि कुछ भी कॉमेंट हो, कुछ भी मैसेज हो, आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू ऑल। सो या मैं वो ट्राई करता हूँ, हर किसी को रिप्लाई करूँ। सो मेरे को कॉमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे आके एक मैसेज कर देना। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे सेफ, मास्क पहनते रहो। वैसे भी केसेस कम हो रहे हैं और हम अगस्त में जा सकते हैं फिलीपींस, सो लेट्स सी।